श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलिए सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। भक्तजनों, जब जब इस धरती पर पापों का बोझ बढ़ा है, तब तब श्री हरि विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग स्वरूप लेकर अवतार धारण किए हैं और इस सृष्टि से पापों को मुक्त किया है। चाहे वो मत्स्य अवतार बनकर सृष्टि को प्रलय से बचाना हो, चाहे कूर्म अवतार में गिरी को अपनी पीठ पर धरवाकर सागर मंथन करवाना हो, चाहे प्रभु राम के रूप में अवतरित हो रावण के आतंक से धरती को मुक्त कराना हो, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का अंत कर महाभारत के महानायक बनने की गाथा। परंतु आज भक्तों, मैं आपको श्री हरि के मोहिनी अवतार की संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर देवी देवताओं की रक्षा की। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ओ सारे जगत के पालनहारी सृष्टि जय जय गाए तिहारी, अवतार को धारे इस धरती का पाप उतारे, बात तब की है भक्तों, जब देव असुर आपस में लड़ा करते थे। लड़ लड़ कर दोनों ही दलों की शक्तियां छीण पड़ गई थी। इस पर त्रिदेवों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि यदि दैत्य और देवता दोनों आपस में मिलकर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से जो रत्न औषधियां आदि निकलेंगी उन्हें आपस में बांटकर अपनी अपनी क्षीण शक्तियों को वापस प्राप्त कर सकती हैं। दोनों ही गुरुओं ने अपने अपने दलों को ये बात बताई और दोनों दल सागर मंथन करने हेतु राजी हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बना लिया, वासुकी नाग को नेति। परंतु प्रश्न ये था कि पर्वत का आधार किस पर रखा जाए, क्योंकि यदि पर्वत से इस सागर का मंथन होगा तो ये पर्वत धरती को फाड़कर उसके दो टुकड़े कर देगा। तब सब श्री हरि विष्णु की शरण में आए और प्रभु ने क्या कृपा दिखाई, आइए सुनते हैं। ओ देवी देवता शरण में आए विष्णु चरण में शीश नवाए, कश्यप रूप में विष्णु आए अपनी पीठ पे गिरि को उठाए, सबने किया मिलके गुणगान, नमो नमो विष्णु भगवान।
देव और दानवों ने मिलकर सागर मंथन प्रारंभ किया भक्तों, जिससे सबसे पहले हलाहल विष आया, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गैया, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, वारुणी देवी, शंख और चंद्रमा आदि निकले, जिन्हें देवताओं और दानवों ने आपस में बांट लिया। परंतु अब निकले अमृत कलश लेकर वैद्य धन्वंतरी, उनके आते ही आरंभ हो गया देवों और दानवों के मध्य अमृत पाने हेतु भयंकर संग्राम। ज्यों ही अमृत कलश निकला, दोनों ही दल उसे पाने की होड़ में आ गए। भयंकर युद्ध होने लगा। क्योंकि दैत्य शारीरिक बल में अधिक सक्षम थे, सो वे अमृत कलश छीन कर भाग निकले। सभी देवी देवता श्री हरि की शरण में फिर से आए, बोले, प्रभु, यदि अमृत पीकर दैत्य अमर हो गए तो इस सृष्टि का विनाश तय है, इसलिए इस समस्या का आप ही समाधान कीजिए। को देवों को दीजे, आप ही कर सकते काम, नमो नमो विष्णु भगवान। ओ मोहिनी रूप में विष्णु आए, असुरन के सन्मुख वो धाए, असुरों में जाग गया आपा, नमो नमो विष्णु भगवान। असुर पूर्ण गति से अमृत कलश लेकर भाग रहे थे कि देवों के हित श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के सम्मुख आ गए। मोहिनी के अद्भुत सौंदर्य को देख सभी असुरों की बुद्धि चकरा गई भक्तों, और वो अमृत कलश को एक तरफ रख मोहिनी के सौंदर्य का रसपान करने लग गए। सभी असुर मोहिनी से विवाह करने हेतु आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। उस समय श्री हरि ने माया रचाई और बोली, जो असुर मेरे संग मेरी ताल से ताल मिलाकर नाचेगा, मैं उसी के संग विवाह करूंगी। सभी मोहिनी के संग नृत्य करने लगे। ऐसे में वो भूल गए कि अमृत कलश कहाँ रखा हुआ है, और मोहिनी बने श्री हरि विष्णु के संग संग नाचने लगे। और ऐसे में ही श्री हरि विष्णु अमृत कलश को लेकर अंतर्धान हो गए। ओ अपनी ताल पे खूब नचाया, मोहिनी ने सबको भरमाया। विष्णु उठाए और देवों के मध्य मिलाए, जब तक दैत्य होश में आते तब तक बहुत विलंब हो चुका था। भक्तों, मोहिनी बने श्री हरि विष्णु अमृत कलश को लेकर अंतर्ध्यान हो चुके थे।
और देवताओं के मध्य में आ चुके थे। सभी देव अमृत पान करने हेतु एक पंक्ति में बैठ गए, परंतु उन दैत्यों में एक चतुर दैत्य था जिसका नाम था राहु। उसने देवों जैसा रूप बनाया भक्तों और देवताओं के साथ उनकी पंगत में बैठ गया। उसने भी अमृत पान कर लिया था कि तभी चंद्रमा को उसकी असलियत ज्ञात हो गई। जब उसने ये बात श्री हरि को बताई तो श्री हरि ने चक्र सुदर्शन मार उसका सिर और धड़ अलग अलग कर दिया था, परंतु अमृत पान कर चुका होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसका सर और धड़ अलग होने के बावजूद वो आज भी जिंदा है और छाया ग्रह के रूप में हमारे नवग्रहों में सम्मिलित है। तो देखा आपने भक्तों किस तरह मोहिनी का रूप धरकर भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी देवताओं की रक्षा करी। अलग कराए राहु की तो पड़ गए नमो नमो विष्णु भगवान। ओ श्री हरि की महिमा है न्यारी, ओ गाते जिसको दुनिया सारी।